आज हमारा टॉपिक फूड बायोटेररिज्म के बारे में। टेररिज्म का वर्ड हमारे लिए नया नहीं है। पाकिस्तान या जो दुनिया में अफेक्टेड कंट्रीज हैं उनमें टॉप में आते हैं, और हमारे हजारों लाखों लोग जो हैं वो इसका निशाना बने हैं। टेररिज्म क्या होता है, और उसके बाद फिर हम फूड टेररिज्म की तरफ आ जाएंगे। फूड को एज अ टूल हम कैसे यूज कर सकते हैं टेरर क्रिएट करने के लिए। इसमें हम कुछ कंपैरिजन देखेंगे विद अदर वेज ऑफ किलिंग द पीपल। डेथ या डाइंग के जो चांसेस होते हैं ड्यू टू वेरियस इश्यूज, उसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ जाता है। और फिर इसके वाले से हम दुनिया में देखेंगे कि मोटिव्स क्या हैं। लोग जो हैं वो फूड बायोटेररिज्म को एज अ टेररिज्म अप्रोच क्यों यूज करना चाहते हैं, इसके पीछे क्या मोटिव्स हो सकते हैं, इसमें रिस्क ऑफ डाइंग कितने हैं, इसमें CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल USA एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कुछ कह लें कि रिस्क असेसमेंट की हुई है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके नतीजे में डेथ के चांसेस कितने हो सकते हैं, या मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी के क्या चांसेस हैं। और लास्ट कंपोनेंट जो इसका होगा, उसमें हम इससे बचने के लिए क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, एट डिफरेंट लेवल्स, फार्म लेवल पे क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, कंज्यूमर लेवल पे क्या हो सकती हैं, ग्रोसरी या रिटेल स्टोर्स पे हम जाते हैं तो वो क्या इसमें स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर सकते हैं, फूड इंडस्ट्री का क्या इसमें रोल हो सकता है, क्योंकि हम तो ब्लाइंडली मार्केट से एक स्टफ खरीदते हैं और उसको हम यूज कर लेते हैं। वी ओपन द बॉक्स एंड ईट और ड्रिंक इट विदाउट केयरिंग इसमें क्या रिस्क एसोसिएटेड है। तो बेसिकली फूड जो अगर हम होम मेड फूड खाते हैं तो फिर रिस्क जो है उसमें कम होते हैं, क्योंकि हम उसको एक खास हाइजीनिक वे से उसको तैयार करते हैं। जबकि एक्सटर्नल सोर्स से जब भी हम फूड खाएंगे, जिसको मील अवे फ्रॉम होम का नाम दिया जाता है, उसमें रिस्क का एलिमेंट जो है वो बढ़ता जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टेररिज्म इज बेसिकली अ यूनिक काज ऑफ क्राइसिस यूज्ड टू क्रिएट अ कंडीशन ऑफ फियर एंड अनसर्टेनिटी, डीमोरलाइजेशन एंड हेल्पलेसनेस। मैंने यहाँ पे दो तीन वर्ड यूज किए हैं। टेररिज्म का मकसद क्या होता है कि लोगों के अंदर फियर पैदा किया जाए, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन पैदा की जाए, लोग हेल्पलेसनेस फील करें, यानी उनको लगे कि भाई ना तो स्टेट उनकी हेल्प कर सकती है, जो सिक्योरिटी को इंश्योर करने वाली एजेंसीज हैं, जब उनके पर्सनल्स जो हैं उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाएं, जो कि अमूमन आपने न्यूज में सुना भी होगा, अभी भी आप रोज सुनते हैं कि पाकिस्तान में फला जगह पे टेररिस्ट ने अटैक किया और इतने जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग थे उनकी शहादत हुई है। तो डीमोरलाइजेशन एक नेचुरल फिनमिना हो जाता है, लोग डीमोरलाइज हो जाते हैं, मोरल उनका जो है वो लोअर साइड पे चला जाता है। तो टेररिस्ट जो है ये एक बाकायदा तौर पे जंग नहीं होती, एक रेगुलर जो लड़ाई होती है स्टेट टू स्टेट, उसमें तो कह लेना कि आप डिफरेंट टाइप के एमुनेशंस आप यूज करेंगे, इंडिविजुअल्स उसमें जो ट्रेंड होते हैं उस पर्पस के लिए वो उसमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन टेररिस्ट क्या होते हैं कि ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो डिफरेंट आइडियोलॉजी की बेस पे, बाज दफा उनकी अपनी थिंकिंग होती है, बाज दफा इसके पीछे जो है वो कह लें कि अगेन डिफरेंट ग्रुप्स हैं, स्टेट्स इवन हो सकती है इन्वॉल्व, और वो जबरदस्ती जो है ना वो लोगों को अपनी बात मनवाना चाहते होते हैं। रिलीजियस एस्पेक्ट जो है वो भी इसमें बाज दफा आ जाता है, और इस्लाम जितना इस सिलसिले में बदनाम हुआ है, जो कि बिल्कुल हकीकत के अगेंस्ट है, इस्लाम जब अमन का दीन है, लेकिन कुछ लोग इसको इस तरीके से वो मैनिपुलेट करते हैं, या वो कह लें कि दूसरे लोगों के हाथों यूज हो जाते हैं, और अल्टीमेटली दुनिया जो है वो सबूत के साथ बात करती है कि जो मुसलमान है ना वो टेररिस्ट हैं, क्योंकि
है, हालांकि हम इसमें देखेंगे कि इसमें बीइंग मुस्लिम या रिलीजियस जो है ना वो एक बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, मोटिव जो है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो सिंपली वी कैन से द पर्पस इज टू क्रिएट अ फियर, अनसर्टेनिटी, हेल्पलेसनेस एंड डीमोरलाइजेशन. ऑफ कोर्स इसमें एमोनिशन इन्वॉल्व होता है, लोग बम ब्लास्ट करते हैं, सुसाइडर्स हैं, खुद अपने आप को ब्लास्ट कर लेते हैं. लेकिन जब हम फूड बायोटेररिज्म की बात करेंगे तो इससे मुराद ये है कि हमने फूड को कंटेमिनेट करना होगा. टेररिस्ट क्या करेगा, वो फूड को कंटेमिनेट करेगा. अब वो किससे कंटेमिनेट कर सकता है, दिस कैन बी अ केमिकल एजेंट, इट कैन बी बायोलॉजिकल, आर रेडियो न्यूक्लियर एजेंट्स, यानी इनमें से कोई भी चीज जो है वो उसको वो यूटिलाइज करते हुए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो फूड होगी उसको कंटेमिनेट करेगा. और कंटेमिनेट करने का मकसद क्या है कि कम से कम इंजरी हो, मॉर्बिडिटी हो, और सीवियर फॉर्म में क्या होगा, डेथ हो. तो किन की, सिविलियन पॉपुलेशन की. तो फूड टेररिज्म जो है ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए डिजाइन नहीं किया जाता, बल्कि इसमें टारगेट कौन होते हैं, सिविलियन पॉपुलेशन. अच्छा, जब कंट्री के अंदर अनरेस्ट होगा तो उसके नतीजे में फिर वहां पे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है ना वो स्टेबिलिटी मुश्किल हो जाएगी, वो कंट्री अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकेगा. सो फूड बायोटेररिज्म इज बेसिकली एन एक्ट और थ्रेट ऑफ डेलिबरेट कंटेमिनेशन. एक्ट मीन्स करना उसको, या उसका धमकी देना, थ्रेट ऑफ डेलिबरेट एडिशन. डेलिबरेट होता है जिसको हम खुद कंटेमिनेट करें, हालांकि नेचुरली भी फूड कंटेमिनेट हो सकती है. फूड सेफ्टी जो है उस इसीलिए एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन चुका है अब. लेकिन डेलिबरेट कंटेमिनेट करना फॉर फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन विद केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियो न्यूक्लियर एजेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ कॉजिंग इंजरी और डेथ टू द सिविलियन पॉपुलेशन एंड डिसरप्टिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. The risk of dying from terrorism was even lower than that from hitting by lightning. Lightning किसको कहते हैं, जब ये आपको बादल गरज रहे हों तो वहां पे बंदा lightning से अगर hit हो जाए, बिजली जो हम कहते हैं ना, बिजली गिड़ी है फलां जगह पे, उससे बंदा hit हो जाए तो उसमें भी death के chances हैं. तो यहाँ पे हम death chances देखते हैं, risk of dying देखते हैं due to different issues. जैसे smoking जो है, 10 सिगरेट्स अ डे अगर एक इंडिविजुअल ले रहा है तो 200 में से एक इंडिविजुअल की डेथ के चांसेस हैं, जो कि हाई नंबर है, कम नहीं है. लेकिन ये चीज लोगों में खौफ पैदा नहीं करती, लोग इसके बावजूद जो है वो स्मोकिंग कंटिन्यू रखते हैं. रोड एक्सीडेंट का मतलब क्या है कि हर 8,000 में से एक बंदा रिस्क पे होता है कि उसको रोड पे कोई चीज हिट कर देगी. इसी तरह सॉकर, जस्ट लाइक अ फुटबॉल, एक गेम है जिसमें 25,000 इंडिविजुअल्स में से एक इंडिविजुअल जो खेल रहे हैं उनकी डेथ के चांसेस हैं, यानी बॉल उसको हिट कर देगी या वो गिर जाएगा, फिजिकली उसको इंजरी होएगी. होमिसाइड जिसको हम खुदकुशी कहते हैं, इसमें 100,000 यानी 100,000 में से एक बंदा जो है ना वो ऑन एन एवरेज वो रिस्क पे है. और दुनिया में हम रोज सुनते हैं खुदकुशी की है फलां जगह पे, और उसके भी मोटिव्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन 100,000 में एक बंदा जो है वो उसकी डेथ होने के चांसेस हैं, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से नजर आती है. लाइटनिंग जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि बहुत कम रिस्क होता है. अमूमन क्या होता है कि जब मौसम खराब हो तो हम घर से बाहर नहीं निकलते, लेकिन इनकेस अगर कोई बाहर लोग हैं या किसी घर के अंदर जो है वो लाइटनिंग से हिट हो जाते हैं तो उसमें 10 मिलियन में एक इंडिविजुअल जो है ना उसकी डेथ के चांसेस है. टेररिस्ट अटैक 1990 की बात की गई है, उस वक्त टेररिज्म की वजह से डेथ के जो रेट था वो बहुत कम था, यानी 50 मिलियन में से एक इंडिविजुअल जो है ना वो दुनिया में टेररिस्ट का निशाना बन रहा था. एक इंडिविजुअल के लाइकलीहुड थे कि उसकी डेथ हो जाएगी ड्यू टू टेररिज्म. लेकिन 9/11 2001
का जो इंसिडेंट है इसने दुनिया को इंटायरली बदल के रख दिया है, और खौफ ने स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ना उसको एनगल्फ कर लिया है। अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना उनके सिक्योरिटी के नाम पे वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए खर्च कर रहे हैं, बल्कि इसके नतीजे में मजीद टेररिज्म को फरोग मिला है। जब यूएसए ने ये ऑप्शन जेहन में रख लिया कि जो उन पे अटैक करेगा या इरादा करेगा तो वो उसको जाके प्रोएक्टिव तौर पे हिट कर सकते हैं, और इस सिलसिले में उन्होंने इराक, ईरान, अफगानिस्तान, लीबिया, मिस्र, मतलब जो जगह नजर आती है जहाँ पे वो समझते हैं कि कोई ग्रुप ऐसा है जो प्लान कर रहा है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, उसको वो हिट करते हैं, और इसमें मोस्टली सिविलियंस की कैजुअलिटीज होती हैं और लोगों के दरमियान फिर एक अनरेस्ट क्रिएट होता है, बदला लेने की आग जो है वो लोगों में डेवलप होती है, और इससे टेररिज्म कम नहीं हो रहा बल्कि दिन ब दिन बढ़ रहा है। लेकिन 1990s की निस्बत जब हम 2001 की बात करें तो रिस्क ऑफ डेथ जो है इसमें काफ़ी हाई हो गया, यानी 1,00,000 में एक बंदा जो था उसके मरने के चांसेस जो है वो डेवलप हो गए। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लोगों ने, बायोटेररिज्म का मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा था कि लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनको यूज किया जाता है लोगों के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीजेस प्रोड्यूस करने के लिए, और इसमें स्पेशली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चूज किए जाते हैं कि जिनके अगेंस्ट मार्केट के अंदर वैक्सीन अवेलेबल ना हो, एंटीबायोटिक्स अवेलेबल ना हो, यानी वो जरासीम जो बहुत पहले बीमारियां काज करते थे लोगों के अंदर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एडवांसमेंट की वजह से, मेडिकल सेक्टर की इम्प्रूवमेंट की वजह से इन हेल्थ इश्यूज को कर्टेल कर लिया गया। तो जो बायोटेररिस्ट है वो बेसिकली ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करेगा कि जिसके लिए लोगों के पास रेमेडी ना हो, मार्केट में उसका सोल्यूशन अवेलेबल ना हो। तो इसमें एंथ्रेक्स 2001 का इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसमें यूएस पोस्टल सर्विस जो होती है, जैसे हमारा डाक का निज़ाम है इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स का जो सरकारी डाक का निज़ाम है उसको यूज़ किया गया, उसमें लेटर्स के अंदर कुछ पाउडरी सा मटेरियल डाल दिया गया और जो बंदा उस लेटर को खोलता था वो बेसिकली इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्निफ कर लेता था। इसके नतीजे में भी कैजुअलिटीज भी हुई, मॉर्बिडिटीज भी हुई, लेकिन लोगों के अंदर फियर पैदा हो गया, पूरा यूएस का जो कोरियर सिस्टम था पोस्टल का वो डिस्टर्ब हो गया, लोग कोरियर को अडॉप्ट ही नहीं करते थे कि इसमें से कोई मसला ना निकल आए। इसी तरह स्मॉल पॉक्स, ये भी 2001 के इंसिडेंट्स हैं, तो इनके अंदर भी डेथ के चांसेस जो हैं वो 50 मिलियन के अंदर एक इंडिविजुअल या 50 मिलियन में से एक से भी कम इंडिविजुअल जो है उसकी डेथ के चांसेस हैं। लेकिन आप ये देखें जब हम कंपेयर करेंगे तो लोग स्मोकिंग की वजह से जिसमें डेथ के चांसेस जो है वो बहुत हाई हैं, लोग उसकी निस्बत ज्यादा खौफ कहाँ पे फील करते हैं, जब ये एंथ्रेक्स या स्मॉल पॉक्स या इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इनको यूटिलाइज करके अगर किसी जगह पे डेथ रिपोर्ट हो जाए तो लोग बड़े खौफ ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो टेररिस्ट का काम ही यही है कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर फियर का एलिमेंट प्रोड्यूस कर सके। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे लोग मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, एक दौर ऐसा भी आया कि मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया, लोगों ने नमाज पढ़ना छोड़ दिया वहां पे जाके। ठीक है, इसी तरह हमारे मेले ठेले होते थे तो किसी भी सोसाइटी के अंदर जो है ना वो रिक्रिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, लोगों के अंदर खुशी लेके आते हैं। तो ये जितने भी फेस्टिवल्स थे वो बंद कर दिए गए सिर्फ इस वजह से कि वहां पे टेररिस्ट जो है ना वो सुसाइडर्स जो है वो अटैक कर देते थे तो अल्टीमेटली उससे कैजुअलिटीज हो जाती थी। इसी तरह मजार है हमारे यहाँ पे, अल्लाह ताला के नेक लोग हैं जिनकी यहाँ पे कब्रें हैं और वहां पे कुछ लोगों की अकीदत होती है वो जाते हैं, उनको बंद करना पड़ा। ठीक, गेम्स जो होती हैं डिफरेंट टाइप्स की उनको बंद करना पड़ा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। आपकी स्कूल और यूनिवर्सिटीज इनके इर्द गिर्द देखें कि इनकी बाउंड्री वॉल्स को काफी हाई करना पड़ा। ठीक है, फेंसेज लगाना पड़ी। तो पर्पज क्या था कि किसी तरीके से
टेररिस्ट का अटैक जो है उसको रोका जा सके। तो रिस्क ऑफ डाइंग जो है ना वो बेसिकली इस सिलसिले में हम देखें तो बेशक कम है, लेकिन फियर का एलिमेंट जो है वो इसमें ज्यादा नजर आता है। Why did terrorists draw considerable attention in 2001? जैसा कि मैंने पहले आपसे शेयर किया है कि टेररिज्म से पहले भी लोग खौफजदा होते थे, लेकिन 9/11 के बाद, 9/11 हम क्यों कहते हैं कि September 11, 2001 को एक इंसिडेंट हुआ जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि एक 110 स्टोरी बिल्डिंग, बेसिकली दो टावर्स थे, दोनों 110 स्टोरीज पे कंसिस्ट करते थे और इसके साथ एक कंपाउंड था, एक कंप्लेक्स था बिल्डिंग का, तो उसमें अटैक किया गया और इस अटैक के नतीजे में अराउंड 3000 डेथ जो है वो रिपोर्टेड है, जिसमें 19 टेररिस्ट भी शामिल थे। और इसके साथ साथ अगर हम इंजरीज की बात करें तो ऑलमोस्ट 25,000 नॉन फैटल टाइप इंजरीज जो लोगों को पहुंची डिफरेंट टाइप्स की। अब अगर मैं इस बिल्डिंग की थोड़ी सी आपसे स्टोरी शेयर करूं तो ये 110 स्टोरी पे एक टावर कंसिस्ट करता था और दो टावर्स थे बेसिकली, जिसमें 35,000 के करीब लोग जो वहां पे जॉब करते थे और 430 कंपनीज जो है ना उनके वहां पे ऑफिसेज हैं, ठीक है, जिनमें ये लोग एम्प्लॉइज थे। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये अमेरिका का गुरूर कह लें, फखर कह लें, ये बिल्डिंग्स जो थी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, बेसिकली इनको हिट किया गया। अब इसमें कंट्रोवर्सीज में हम नहीं जाएंगे, कितनी हकीकत है इसके अंदर और क्या ये प्री प्लान्ड था, इसका कोई मोटिव कोई और था, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हम बज़ाहिर देखेंगे कि बिल्डिंग का लॉस हुआ और इसमें कैजुअलिटीज जो है वो हाई नंबर पे देखी गई। रिस्क ऑफ डाइंग फ्रॉम टेररिज्म वाज एक्सट्रीमली लो इन 90s एंड वाज स्टिल रिलेटिवली लो कंपेयर्ड विद सम डिजीजेस इन 2001, बट द डेथ रेट इंक्रीज बाय 500 टाइम्स इन 2001 ड्यू टू सेप्टेम्बर 11 अटैक। ओवरऑल द डेथ रेट ऑफ टेररिज्म has not been high despite the low risk, shock, surprise and fear engulfed the United States and the world. No doubt risk jo hai na isme average hum dekhe to bahut sare log natural death jo hai na unki hazaron lakhon mein ho rahi hai duniya ke andar, par minutes ke hisab se dekhe to hum death rate jo usko calculate kar sakte hain, birth rate ko calculate kar sakte hain, lekin kam risk hone ki wajah se bhi इसके अंदर जो फियर का एलिमेंट है, शॉक का जो एलिमेंट है वो हाई होने की वजह से पूरी दुनिया और बिलखसूस यूनाइटेड स्टेट्स या वहां पे बहुत ज्यादा अनरेस्ट पाया जाता है। टेररिज्म का हम थोड़ा सा ओवरव्यू अगर करें, मोटिव की बात कर लें तो इट इज यूज्ड टू सपोर्ट पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल्स। So this activity can be for various purposes. Sometimes there are political motives, sometimes there are religious motives, and sometimes different groups or individuals want to impose or implement their ideology. The threat of crime can be as devastating as the commission of the act. अच्छा, इसमें बाज़ दफा बंदा देखे ना कि जी नुकसान इतना नहीं हुआ, लेकिन थ्रेट देना जो होता है ना, धमकी देना किसी चीज की, किसी जुर्म की धमकी देना, किसी क्राइम की धमकी देना, वो भी उतना ही खतरनाक होता है जितना है कि उसको एक्ट करना। क्योंकि इसमें होता क्या है कि अमूमन कम लोग उनकी डेथ होती है, लेकिन हजारों जो है वो फ्राइटेंड हो जाते हैं। सो पर्पज इज टू किल वन एंड फ्राइटन थाउजेंड्स। रिसेंट टेररिज्म की कुछ एग्जाम्पल्स, वैसे तो टेररिज्म हम देखेंगे इसकी 19th सेंचुरी से पहले भी हमें इसका जिक्र मिलेगा डिफरेंट फॉर्म्स में। मैं रिसेंट तीन एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें 1993 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, जिसमें एक ट्रक के अंदर जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था उसको ब्लास्ट किया गया था। मे बी आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो रमजे यूसफ के नाम से एक इंडिविजुअल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बाद में इसको हैंडओवर भी किया था यूएसए के, जो कि इसके अंदर सस्पेक्टेड था कि उसने ये सारा प्लान किया है।
इसमें तकरीबन 6-7 लोग हैं, उनकी कैजुअलिटीज हुई थी। और अगेन ये वही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जिसको 2001 के अंदर जो है वो डिमोलिश कर दिया गया एक और अटैक के अंदर, तो कोशिश पहले भी हो चुकी थी। इसी तरह 1995 में ओक्लाहोमा स्टेट है भाई यूएसए की, वहां की एक सरकारी बिल्डिंग थी, ओक्लाहोमा सिटी बम्बिंग के नाम से ये मशहूर है, ये इंसिडेंट है ओकेसी, इस पे अटैक किया गया और इसमें तकरीबन 168 के करीब इंडिविजुअल्स उनकी डेथ हुई, जिसमें 19 के करीब बच्चे भी शामिल थे जो कि एक डे केयर फैसिलिटी के अंदर थे, उनकी भी साथ डेथ हो गई। और तीसरा इंसिडेंट जो है वो 9/11 का है, जिसमें अराउंड 3000 इंडिविजुअल्स की डेथ जो है वो रिपोर्टेड है और फाइनेंशियली इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो है वो नुकसान हुआ था। तो ये तीन एग्जांपल्स मैंने इसलिए दिए हैं और इनकी सीवियरिटी आपके साथ शेयर की है ताकि आपको कुछ आइडिया हो सके कि टेररिस्ट जो होते हैं वो एक जो दुनिया की पावर्स जिसको कहा जाता है ना, अमेरिका की दुनिया की नंबर वन पावर है, उसको भी कैसे मफलूज कर देते हैं। ये एक्टिविटी इतनी खतरनाक होती है कि वो भी अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। अगेन बायोटेररिज्म पे आ जाते हैं कि जिसमें हमने कोई फूड के रिलेटेड कोई एजेंट की बात की है, उसको यूटिलाइज करके फूड की सप्लाई को डिसरप्ट करके लोगों के अंदर फियर पैदा किया जा सकता है। सो द यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स टू इंटेंशनली प्रोड्यूस डिजीज आर इंटॉक्सिकेशन इन ससेप्टिबल पॉपुलेशंस टू मीट टेररिस्ट एम्स। ससेप्टिबल पॉपुलेशंस हो सकती है बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, जरूरी नहीं कि एक चीज, बाज दफा कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग होगी, एक जगह से आप इकट्ठा खाना खाते हैं सारे घर के मेंबर, कुछ लोग जो उनका इम्यून सिस्टम इतना नहीं स्ट्रांग होता और उनको वो फूड पॉइजनिंग हो जाती है और कुछ जो है उसको हैंडल कर जाते हैं। सो ससेप्टिबल पॉपुलेशन जो है ना बेसिकली ये टारगेट ज्यादा रखी जाती है। इट कैन बी डिस्पर्सल ऑफ माइक्रोब्स आर देयर टॉक्सिन्स टू प्रोड्यूस इलनेस डेथ एंड टेरर। सिमिलरली इन अदर वे वी कैन डिफाइन बायोटेररिज्म एज बायोलॉजिकल वारफेयर इन विच एजेंट्स ऑफ डिजीज एंड व्हाट टाइप ऑफ डिजीजेस विच आर होस्टाइल। इनका मकसद क्या होता है कि लोगों के अंदर खौफ का एलिमेंट जाना वो पैदा करना, ठीक है। तो बायोलॉजिकल वारफेयर जो है ना ये स्टेट लेवल पे भी हो सकते हैं, जैसे यूएसए और रशिया जब ये दोनों सुपर पावर्स जो है इनकी आपस में कन्फ्लिक्ट थी 1990 से पहले, क्योंकि इसके बाद फिर रशिया जो है वो डिफरेंट हिस्सों में टूट गया और उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं रही, तो उस वक्त ये लोग ना सिर्फ केमिकल वेपन्स पे काम कर रहे थे, न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहे थे, बल्कि बायोलॉजिकल वारफेयर भी बना रहे थे, जिनका मकसद क्या था कि लोगों को उनकी आबादियां जो हैं, उनके रेजिडेंट्स जो हैं, उनको इस तरीके से नुकसान पहुंचाना कि उसमें मे भी पता भी ना चले कि अटैक किसने किए और लोगों के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीजेस, ठीक है। और ओवरऑल क्या होगा, इससे हेल्थ सेक्टर डिस्टर्ब होगा, उन कंट्रीज की सोशल और जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो बेसिकली उसको हिट करना जो है वो ऑब्जेक्टिव था। अब इसमें मोटिव्स की अगर हम बात करें, जैसा मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि मोटिव्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे पोलैंड भाई इंग्लैंड के पास आप देखें तो वहां पे पोलिश आर्मी, बल्कि ये ग्रेट ब्रिटेन जो है इसका 100+ कंट्रीज के ऊपर इसका कब्जा था, एक ग्रेट पावर रही रहा है, तो लोगों ने फिर आहिस्ता आहिस्ता इससे आजादी हासिल की है। तो पोलिश रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर फॉरेन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट जो है वो लोग जो है वो कह लें कि अपना मूवमेंट चला रहे थे, जैसे कश्मीर के अंदर हम देखें वहां पे कश्मीरी जो है वो इंडिया से आजादी हासिल करने के लिए, तो हम उसको जो है वो मुजाहिद का नाम देते हैं कि वो आजादी की तहरीक लड़ रहे हैं, लेकिन इंडियंस जो है वो उसको टेररिज्म का नाम देते हैं। माओ भाई ये भी एक मूवमेंट है, हिस्ट्री आप इनकी पढ़ लीजिएगा अगर आपका इंटरेस्ट होगा, तो हर एक के पीछे आपको एक पूरी हिस्ट्री नजर आएगी,
इनका मेन जो ऑर्गेनाइजर है या प्लानर है वो नजर आएगा, और इसके नतीजे में क्या नुकसान हुए, उस तरह की चीजें आप डिटेल से देख सकते हैं। इसका पर्पस भी कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट जो एहतजाज था, रेजिस्टेंस थी, डार्क हार्वेस्ट के नाम से एक मूव चली है, राजनेशी के नाम से एक मूवमेंट हमें मिलती है, इसमें मैं ज्यादा एम्फिसाइज करूंगा बाद में, ठीक है। कि राजनेशी जो है वो एक इंडियन कल्ट था जो कि यूएसए के अंदर एक फिरका कह लें एग्जिस्ट करता था, और वहां पे लोकल इलेक्शंस को जीतने के लिए भी इन्होंने इस अप्रोच को यूज किया, तो मोटिव जो है ना वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह ये डॉक्टर सुजुकी है भी, जैपनीज एक डॉक्टर था, मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान उसने कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट उसने फील की कि उसके साथ हो रही है, जिसका बदला उसने बाद में अपने जो फेलो थे उस वक्त उनको खत्म करके लिया, ठीक है। तो जब तक उसको पकड़ा गया तो ये इसमें पर्सनल बदला लेना जो है ना वो आपको नजर आएगा। एंथ्रेक्स का इंसिडेंट जो है वो यूएसए के अंदर, इसमें भी फियर जो है ना उसको इनकोलेट करना जो है वो इनकलकेट करना मकसद था वहां पे, लोगों के अंदर फियर प्रोड्यूस किया जाए। अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लें इसमें, क्या बायोलॉजिकल वेपन को जब यूज किया जाता है तो कन्वेंशनल वेपन्स की निस्बत इनके क्या फायदे हैं। इसमें एक फायदा तो यह है कि दीज कैन बी इजी एंड फास्टर टू प्रोड्यूस एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन द वेपन्स। इसके अंदर चंद मिलियन खर्चा करके बिलियंस के अगेंस्ट जो खर्चा होना होता है ना केमिकल वेपन्स के ऊपर, उसको बचाया जा सकता है। तो मे बी डिफरेंट स्टेट्स जो है ना वो भी इसको अपने मोटिव के लिए यूज करती हैं। इट हैज द पोटेंशियल फॉर डिसेमिनेशन ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। न्यूक्लियर वेपन जो है डेफिनेटली वो बड़ा एक उसकी कवरेज होती है, लेकिन उसमें तो फिर कोई चीज बचती नहीं है, और उसमें अगर उस एरिया के अंदर जो कंट्री उसको यूज करने वाला उसका भी एरिया अगर आ जाए तो उसकी पॉपुलेशन भी इफेक्ट होगी। लेकिन अदर देन दिस, जैसे एक बुलेट चलाई जाती है तो एक खास एरिया को वो टारगेट करती है, तो ये बायोलॉजिकल एजेंट्स जो है इनको अगर एयर के थ्रू जो है वो डिसेमिनेट किया जाए, या इनके अंदर ऐसे फीचर जो है वो इनाकुलेट कर दिए जाए कि इनकी डिसेमिनेशन पावर बढ़ा दी जाए, कि ये हवा के साथ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, और एक इंडिविजुअल के अंदर जब ये इन्फेक्ट हो जाए तो फिर एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक, जस्ट लाइक कोविड आजकल देखें आप। और इसमें सबसे बड़ा जो सोल्यूशन बताया जा रहा है ना वो स्टिल अभी तक वो प्रोटेक्शन है, कि जी मास्क यूज करें, सोशल डिस्टेंस करें। दुनिया के पास अभी तक इसका कोई अदर देन दिस सोल्यूशन नहीं आ रहा, चाहे वो एडवांस कंट्री है, वेल्थ कंट्री है, या डेवलपिंग कंट्री है। तो इनके अंदर डिसेमिनेशन होने की पावर ज्यादा है, या हम आगे डिटेल में देखेंगे कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना एरिया जो है वो कवर कर सकता है अगर हम एक खास डिस्टेंस से उसको फिर स्प्रेड करते हैं। और आजकल आपको पता है कि अब ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बड़ी एडवांस हो गई है, अब जरूरी नहीं कि कोई इसके लिए हेलीकॉप्टर चाहिए या कोई और एरोप्लेन चाहिए कि जिसके थ्रू इसको डिस्पर्स किया जा सकता है, लोग इसको ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू भी डिस्पर्स कर सकते हैं। तीसरा फायदा इनका जो बताया जाता है कि हाई मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है, डेथ रेट और बीमार होने के चांसेस इनके अंदर ज्यादा है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो पैनिक क्रिएट करना अमंग द सिविलियन पॉपुलेशन, उनके दरमियान एक खौफ का एलिमेंट पैदा करना कि वो अपना कारोबार भूल जाए, डे टू डे एक्टिविटीज को भूल जाए, रिक्रिएशनल अपने एक्टिविटीज को भूल जाए, बाहर निकलने में उनको खौफ नजर आए। फिफ्थ वन, इट कैन बी पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन, यानी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया जाए कि एक बंदा अगर कफ या स्नीज करता है तो वो दूसरे को ट्रांसफर हो सके। और आखिरी जो इसमें बात की गई है एडवांटेज की, कि दीज कैन बी डिफिकल्ट टू डायग्नाइज आर ट्रीट, यानी पता लगाने में कि ये बीमारी है क्या, या किस ऑर्गन को हिट करती है, किस तरह जो है वो डेथ होती है, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे, उसमें डिफिकल्टी लगे। और ये कोविड का जो एलिमेंट है ना, इसको आप जरा जहन में रख के अगर इन सारी चीजों को समझें, ठीक है, कि कैसे एक
वायरस जो है वो हो सकता है टोटल अगर हम उसको इकट्ठा करें तो 8-10 ग्राम ना बने, जिसने सारी दुनिया को जाना इस वक्त पैनिक के अंदर मुबतला किया हुआ है। इसके अलावा इनकी लो टेक्नोलॉजी का यूज होना, ये इनका प्लस पॉइंट है। हाई इम्पैक्ट होना एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल वारफेयर, इनएक्सपेंसिव होना, किट्स एट होम वाला फीचर जो है वो बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, लेट्स के अगर वाटर सप्लाई है जो सिटी के अंदर, उसके अंदर अगर पानी में वाटर सप्लाई के अंदर कोई चीज कंटेमिनेंट के तौर पे डाल दी जाए तो लोगों को घरों के अंदर नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा। इजी टू ट्रांसपोर्ट, चंद ग्राम सैंपल जो है उसको बंदा किसी भी तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है, तो इसमें कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए ट्रांसफर के लिए। इसको इनपुट और आउटपुट के लेवल पे डिफ्यूज करना बड़ा इजी है, फार्म लेवल पे आप चाहें तो वहां पे ऐड कर दें, प्रोसेसिंग लेवल पे चाहें तो वहां पे ऐड कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे चाहें तो वहां पे चीजों को इन्फेक्ट कर दें। तो इट कैन बी इन्फेक्टेड, दीज थिंग्स कैन बी इन्फेक्टेड एट वेरियस लेवल्स, सो डिफ्यूजन इनपुट्स एंड आउटपुट्स इज इजी, हार्ड टू डिटेक्ट इवन बिफोर आर आफ्टर, एंड अनलाइक केमिकल आर रेडियोलॉजिकल थ्रेट्स। केमिकल और रेडियोलॉजिकल थ्रेट्स में ये होता है कि बाज दफा जो कंट्री इनको यूज करने वाला वो भी रिस्क पे होता है, लेकिन बायोलॉजिकल वेपन्स जो है ये इनको एक खास कन्फाइंड एरिया तक जो है वो यूज किया जा सकता है। सो इसमें कम चांसेस हैं जो केमिकल और रेडियोलॉजिकल थ्रेट्स नजर आते हैं बाकी वारफेयर्स के अंदर। अब हम बात करते हैं आइडियल करेक्टरिस्टिक्स फॉर पोटेंशियल बायोलॉजिकल टेररिज्म एजेंट। हमारा पर्पस यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करना है, वी आर नॉट मेंट कि हम इस तरह की कोई एक्टिविटी करें। पर्पस क्या है जिसमें साइंटिस्ट ने डिफरेंट लेवल्स पे चीजों को जज करके देखा तो उनको पता चला कि एक टेररिस्ट जो है उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की गई, तो वो क्या सोचते हैं, वो किस तरह आइडियल करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो डेवलप करना चाहते हैं अपने उस एजेंट के अंदर जिसको वो एज अ टेररिज्म टूल यूज करना चाहते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है कि उनकी टेंशन होती है कि दिस शुड बी इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू अक्वायर एंड प्रोड्यूस, सस्ते होने चाहिए और किसी लैब से उनको हासिल करना ईजी होना चाहिए और उनको प्रोड्यूस करना ईजी होना चाहिए। दूसरा करेक्टर क्या है कि उनके अंदर एरोसोलाइज वाली एबिलिटीज हों, कि उनके अंदर ऐसे करेक्टर्स डेवलप कर दिए जाएं कि ये हवा के साथ उड़ सकें ताकि एक जगह से दूसरी जगह इनका ट्रांसफर होना जो है वो इजी हो, इनकी कवरेज ज्यादा हो। तो ऐसे एजेंट्स को वो प्रेफर करेंगे कि जिनकी डिसेमिनेशन पावर जो है वो ज्यादा हो। फिर वो ऐसे एजेंट्स को लाइक करेंगे कि जो जो एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकें, हार्श कंडीशंस को सर्वाइव कर सकें, सनलाइट एक्सपोजर, हीट, नमी, ठीक है, इन चीजों पे वो ज्यादा अरसा सर्वाइव कर सकें। इसके बाद वो ऐसी डिजीज काज करें कि जिससे कम से कम डिसेबिलिटी आ जाए, बंदा सारी उम्र के लिए मफलूज हो जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए, लिथैलिटी। फिर इनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि पर्सन टू पर्सन कंटेमिनेशन हो सके, ट्रांसमिशन हो सके, जस्ट लाइक कोविड, बड़ा आइडियल आपको ये बायोलॉजिकल एजेंट जाना इस पर नजर आ रहा होगा कि जो कफिंग स्नीजिंग, ठीक है, यानी मास्क इसलिए यूज कर रहे हैं ना, लेकिन मास्क जो है ना जो हम यूज कर रहे हैं ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, स्टिल सोशल डिस्टेंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मिलके अगर सारी चीजें अप्लाई करें तो फिर वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जो मास्क हम सर्जिकल मास्क यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वायरस का 700 के करीब जो वायरस है ना वो एक इसका जो पोर साइज है उसमें से गुजर सकते हैं एक वक्त में। आप अंदाजा लगा लें कि इसका पोर साइज और वायरस का अपना साइज जो है वो कितना स्मॉल है। नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ये भी प्लस पॉइंट वो समझते हैं कि बीमारी जो है ना ये लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट, पैनिक कब क्रिएट होती है कि जब बंदा हेल्पलेस हो जाए, कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, भी वो कह दे भाई पेशेंट को ले जाओ हमारे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है। और आजकल यही हो रहा है, जिनके नियर एंड डियर्स की डेथ हुई है वो इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं।
कि पैसा भी होने के बावजूद, हेल्थ फैसिलिटीज होने के बावजूद भी वो इंडिविजुअल्स को सर्वाइव नहीं कर सके। अच्छा, ये आप ये आइडियल करेक्टरिस्टिक्स पे हैं। मैंने कहा था कि ये बाज दफा जो टेररिस्ट हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। और फिर जब रशिया ब्रेकअप हुआ है तो इस वक्त का जो रशिया के अंदर जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट काम कर रहे थे वो भी फिर कह लें कि जाहिर है अनरेस्ट हो गया, बेरोजगारी हो गई, वो भी एक जगह से दूसरी जगह अपनी वो जॉब अपॉर्चुनिटीज उनकी चली गई। लेकिन एक रिस्क निकल आया कि अगर ये लोग टेररिस्ट के हाथ लग गए तो फिर, या कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनके ऊपर लेबल लगा हुआ है टेररिज्म का, लाइक ईरान, कोरिया, स्पेशली नॉर्थ कोरिया, अगर इन लोगों ने अपनी एक्सपर्टीज के थ्रू या ये जो इनके पास बायोलॉजिकल एजेंट्स थे वो अगर इन्होंने प्रोवाइड करना शुरू कर दिए तो अल्टीमेटली ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए थ्रेट हो सकते हैं। और तकरीबन 12,000 के करीब टेक्नीशियंस जो थे, साइंटिस्ट जो थे, वो रशिया के अंदर काम कर रहे थे इन प्रोजेक्ट्स के अंदर। अच्छा, इनमें से एक इंडिविजुअल जो है, इसका अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू लें, उसके ख्याल में इन द सोवियट्स व्यू द बेस्ट बायोलॉजिकल एजेंट्स वर दोज फॉर विच देयर वाज नो प्रिवेंशन आर क्योर। यानी वो ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स बना रहे थे ऑफिशियल लेवल पे कि जिनके अगेंस्ट प्रिवेंशन ना हो, क्योर ना हो। और सेकेंड ऑप्शन क्या था, फॉर दोज एजेंट्स फॉर विच वैक्सीन्स आर ट्रीटमेंट एग्जिस्ट, यानी वो जिनके अगेंस्ट वैक्सीन तो अवेलेबल है। पहली लेवल वो था जिसमें उनके अगेंस्ट वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं, जिसको हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी कहते हैं, और मेडिसिन अवेलेबल नहीं तो इसका मतलब क्योर नहीं होगी। और सेकेंड कैटेगरी वो हो सकती है कि जिनके अगेंस्ट वैक्सीन तो अवेलेबल है, मेडिसिन तो अवेलेबल है, लेकिन उनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा कर दी जाए, उनके अंदर ऐसी वेरिएशन लाई जाए कि वो इम्यूनो सप्रेसिव हो जाए, इम्यून बंदे का सप्रेस कर दें। तो ये देखिए आप किस तरह का मोटिव होता है अगर ऑफिशियल लेवल पे इस काम को किया जा रहा है, और एक बंदा जो अनऑफिशियल लेवल पे इसका कर रहा होगा उसके मोटिव्स क्या हो सकते हैं।